नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारतीय राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व है, लेकिन 21वीं सदी में अब महिलाएं भी राजनीति में अपना लोहा मनवा रही। कई महिला राजनेता तो ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपना नाम न सिर्फ कड़ी मेहनत के कारण बल्कि अपनी सुंदरता और ग्लैमर के कारण भी कमाया। भारतीय राजनीति को नजदीक से जानने वाले आज भी कहते हैं कि भारतीय राजनीति पुरुषों का गढ़, लेकिन अब भी महिलाएं अपना सिक्का मनवा रही। तो आज हम 21वीं सदी की खूबसूरत महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपनी काबिलियत के बल पर अपना झंडा बुलंद किया। नुसरत जहां। नुसरत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली नुसरत जहां आज देश के सर्वोच्च संस्था संसद तक में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। नुसरत जहां पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से लोकसभा सांसद है। नुसरत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काफी करीबी मानी जाती। नुसरत जहां एक बेहद ग्लैमरस भारतीय फिल्म अभिनेत्री और राजनेता। नुसरत जहां ने कड़ी मेहनत की बदौलत बंगाली सिनेमा में अपना विशेष स्थान बनाया। इनका जन्म 8 जनवरी 1990 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से पूरी की। 2019 में इन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बशीरहाट से चुनाव लड़े। नुसरत जहां ने 2011 में राज चक्रवर्ती की फिल्म शॉर्टरू से डेब्यू किया था। इनकी अगली फिल्म खोखा 420 थी। 2019 में निखिल जैन के साथ ये पढ़ने सूत्र में बनी। आज इनकी धाक भारत में ग्लैमरस राजनेता के रूप में होती। नवनीत राणा। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा आजकल बड़ी सुर्खियां बटोर रहे, क्योंकि राणा ने अकेले ही महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन हम आज उनकी खूबसूरती की ही चर्चा करेंगे। नवनीत राणा भारत की सबसे खूबसूरत महिला सांसद। उनकी खूबसूरती को लेकर अक्सर खूब चर्चाएं होती। उनकी खूबसूरती के सामने बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी फेल। जानकारी देते चलें कि नवनीत राजनीति में आने से पूर्व एक मॉडल थी और वो पंजाबी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें राजनीति में ले आई। हालांकि नवनीत कौर ने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली। दिव्या स्पंदना। बेहद खूबसूरत दिव्या स्पंदना को फिल्म जगत में राम्या के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों के साथ ही तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में अभिनय किया। इनका जन्म 29 नवंबर 1982 को बेंगलुरु में हुआ था। इनकी पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म मुसंजय मातु थी, जो 2008 में रिलीज हुई। ये फिल्म बेहद हिट रही थी। राम्या ने 2013 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में कर्नाटक में मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। अलका लांबा। अलका लांबा अपनी तेज तर्रार छवि वाले राजनेता के अलावा अपनी सुंदरता और खूबसूरती के लिए भी जानी जाती। मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस के छात्र संघ NSUI को ज्वाइन कर लिया था। युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इन्होंने एक NGO गो इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत की। कांग्रेस के साथ 20 साल से अधिक समय तक जुड़े रहने के बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुई और फरवरी 2015 में चांदनी चौक से दिल्ली विधानसभा के लिए चुनी गई। लेकिन फिर केजरीवाल से अनबन होने के बाद वापस कांग्रेस में आ गए। अंगूर लता डेका। अंगूरलता डेका मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत नेता भी। इन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और असमिया फिल्मों में काम किया, साथ ही ये फिल्म निर्देशन में भी काम करती। ये 2016 से असम के बतद्रोवा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की विधायक है। डिंपल यादव। बेहद सौम्य और हमेशा साड़ियों में दिखने वाली डिंपल यादव एक सुंदर और ग्लैमरस राजनेता है। वो कन्नौज से 2 बार समाजवादी पार्टी की सांसद रह चुकी। इनका संबंध राजनीतिक घराने से। इनके पति अखिलेश यादव और ससुर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इन खूबसूरत महिलाओं ने अपनी काबिलियत और सुंदरता के बदौलत भारतीय राजनीति में छाप छोड़ी और देश के विकास में अपना योगदान दे रही।